इस प्रदर्शनी में 16 पेंटिंग्स शामिल की गई हैं, जिसमें कृष्ण की जिंदगी के चारों तरफ घूमने वाली उन स्त्रियों को शामिल किया गया है जिनकी जिंदगी में कृष्ण 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 के सिवा कुछ भी नहीं। और राधा हो, रुक्मणी हो, द्रौपदी हो, मीरा हो, देवगी हो या फिर यशोदा, सभी रूप मन भावन स्वरूप हैं। वंदना सहगल ने सभी रूपों को बहुत शानदार तरीके से प्रदर्शित किया है। उनकी इस मनभावन प्रदर्शनी का उद्घाटन आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया है। चार किरदार पर रंगों का इस्तेमाल किया, कौन सा किरदार आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? नहीं, प्रभावित नहीं करता, हम उसमें भाव देखने की कोशिश करते हैं। प्रभावित तो नहीं कहेंगे, मतलब हर एक का एक अपना रस है और उसके हर एक रिश्ते की एक कृष्ण के जीवन में एक अहमियत थी और एक कृष्ण ने उसको किसी तरह से निभाया, विमेन ने उसको किसी और तरह से निभाया। सो राधा कृष्ण तो हम मानते हैं कि वो एक ही थे। ये उनको पेंट करना बहुत ईजी भी होता है क्योंकि उसमें अथाह प्यार है, एक ही पन है, हाँ, जो बहुत ईजी होता है दर्शाना। लेकिन रुक्मणी जैसे मैंने दिखाई है तो मुझे लगता है पर्सनली कि उनके पास ऐश्वर्य है, उनकी पदवी है कि वो रानी है कृष्ण की, लेकिन जो उनका प्रतिबिंब है राधा ही है जो उस पेंटिंग में दिखाया है। द्रौपदी ने उनको अपने तरह से उनको सखा माना और उन्होंने भी उसको निभाया, उसको प्रोटेक्ट करके, तो वो मैंने वो दिखाया है, वो वाला भाव। मीरा ने सदा उनको पूजा है, तो और वो मीरा को कभी उनके साथ ऐसे नहीं आए, तो उनको उनके भावों में, उनके नृत्य में, उनके गाने में, उनके भजन में, उनकी भक्ति में कृष्ण रहे। तो जो मेरी पेंटिंग्स में दिखता है कि उसमें वो यथार्थ रूप में उनके साथ नहीं थे लेकिन भाव में थे। सो इस माओं का भी ये है कि देवकी के अंदर बहुत दर्द दिखाया है, कि बहुत दर्द है उसके बच्चे के जाने का, और यशोदा का प्यार है कि उसके प्यार से वो इतने बड़े हुए। सो सबका एक छोटा छोटा अंश है, गोपियों के साथ उनकी ठिठोली है, तो वो सब है दिखाई है उनके। नहीं, कृष्ण के तो सभी करीब हैं, राधा हो, मीरा हो, रुक्मणी हो या द्रौपदी हो, आपको करीब सबसे ज्यादा कौन है? मतलब आप सबसे ज्यादा करीब किसको मानती हैं कि कृष्ण के करीब कौन? राधा। क्यों, ऐसा क्यों मानती हैं? क्योंकि जो मेरा इंटरप्रिटेशन है वो आप अगर वृंदावन जाएं, मथुरा जाएं, तो वहाँ पर जो प्रचलित कथाएं हैं, जो एक जो सब लोग बिलीव करते हैं उसको जीते हैं आज भी। कृष्ण का ये वो एक वो है कि वो गॉड कम है, वो हमारे साथ जीते हैं। तो जो उनका जीवन है, जो उनकी जीवन शैली है, उसमें राधा का नाम उनके साथ सदैव जुड़ा है। कभी हम वहाँ पर राधे राधे हैं, मतलब राधा और कृष्ण एक हैं, उसको दो कभी वो मानते ही नहीं हैं, वो एक ही उसके दो पहलू मानते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि उससे करीब और कौन होगा, कि मतलब उसको कभी कृष्ण का नाम बिना राधा के लिया ही नहीं जाता। सो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो करीब हैं और सबसे ज़्यादा जो एक जोड़ी के रूप में हम देखते हैं, वो कृष्ण के जिंदगी में बहुत कम समय रही, लेकिन फिर भी अभी भी जब पूजते हैं तो उनको इकट्ठा ही पूजते हैं, यू नो। सो मुझे लगता है तो उससे ज़्यादा और क्या कहेंगे। आप कलाकार हैं, रंगों से खेलती हैं, कृष्ण का कौन सा स्वरूप आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? स्वरूप माने कृष्ण का कौन सा रूप कह दीजिए, कैसे कृष्ण आपको पसंद? मैं उसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कम देखती हूँ। नहीं, रिलीजियस नहीं, कृष्ण का बच्चे का रूप हो, कृष्ण का बड़े का रूप हो, कृष्ण का विराट स्वरूप, सब में अपना एक सबसे अच्छा कहना बहुत मुश्किल है, बिकॉज कृष्ण तो बहुत अथाह है, हाँ, तो उनको समझना भी बहुत मुश्किल है, और मेरे लिए कहना कि क्या अच्छा है क्या नहीं बहुत डिफिकल्ट है। जैसे कैनवस पर उकेरना हो तो कैसे कृष्ण उकेरेंगे?
तभी हमने वुमन को उकेरा है, कृष्णा को कम उकेरा है, तो कृष्ण को उकेरना बहुत मुश्किल चेहरे, है। चेहरे क्योंकि कम बनाती हैं इसलिए नहीं, क्योंकि नहीं तो उसमें कृष्णा को वो मूड की भी बात है। कभी आपको सिर्फ आप पूरे कैनवस को नीला रंग दे तो वो भी कृष्णा है, पीला रंग दे वो भी कृष्ण है, मोर पंखी रंग दे वो भी कृष्ण है, तो कुछ भी कृष्ण का, तो कृष्ण तो हमको इतनी फ्रीडम देते हैं। आर्टिस्ट टेल मी दैट, बड़े बड़े आर्टिस्ट जो बहुत अच्छी अच्छी मिनिएचर पेंटिंग्स बनाते हैं, कहते हैं हमको कृष्ण को बेचने का, आप देखेंगे मिनिएचर पेंटिंग में कृष्णा होते हैं, सिर्फ कृष्ण ने ये आज़ादी देते हैं कि आप इनको बेच, हमको बेच सकते हैं, आप बना के अपनी कला को बेच सकते हैं, उसके सब्जेक्ट को बेच सकते हैं, और किसी कोई गॉड को आप बिकता नहीं देखेंगे। तो कृष्ण तो उसको सोचना कि कभी वो किस रूप में आते हैं, कभी किस रूप में, तो ये मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है, बिकॉज मेरे को ये नहीं लगता कि मेरे कृष्ण के आते ये छवि मेरे दिमाग में आती है, ऐसा कुछ नहीं है। कृष्ण एक कॉन्सेप्ट है, कृष्ण इज नॉट अ फिगर इन माई माइंड, कृष्ण एक कॉन्सेप्ट है, और कई बार वो हमको जीना सिखाता है, कई बार हमें प्यार करना सिखाता है, कई बार हमें अपनी ड्यूटी सिखाता है गीता के थ्रू, कभी तो बहुत वास्ट है, तो बहुत ही वास्ट। इधर आपने मिक्स्ड मीडिया में काम शुरू किया है, बहुत बहुत अच्छा काम है, तो ये मिक्स्ड में और ऐसे ही में क्या ज्यादा नहीं, ये मिक्स्ड मीडिया में इतना क्योंकि मुझे लगता है कि वो आई एम वेरी फैसिनेटेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लॉथ, यू नो, मुझे लगा कि एक वुमेन की, जब वुमेन का करने लगे तो मुझे लगा कि उसमें क्लॉथ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, बिकॉज इट ऑल्सो डिपिक्ट्स अ वुमेन्स डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट और वट एवर। तो उससे क्या कनेक्शंस थे कृष्णा की लाइफ में, यू नो, कि वो जैसे गोपियों का है तो उन्होंने उनके वस्त्र लेके ऊपर चढ़ गए, तो वो पेड़ ही वस्त्र के रूप में हमने एक दिखाया है, द्रौपदी का चीर ही उसके उसमें रूप में दिखाया है, राधा का पूरा वो उसके अंदर ही समाये हुए हैं, तो एक तरीका था बस दिखाने का, उसको हमने यूज करा है टू एक्सप्रेस माय थीम फर्दर, यू नो, दैट इज इट। थैंक यू। ये वंदना जी हैं, वंदना सहगल जी, रंगों से खेलना इनका शौक है। आज यहाँ इन्होंने पेंटिंग में कृष्ण के साथ गोपियों को भी दिखाया, मीरा को भी दिखाया, राधा को भी दिखाया और रुक्मणी को दिखाया। उनको सारे रूप बहुत पसंद हैं, लेकिन राधा के खुद को काफी करीब महसूस करती हैं। संतोष श्रीवास्तव के साथ तहलका न्यूज़ के लिए मैं शबात हुसैन विजय।